हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव पूजा। क्रिएटिव पूजा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाएंगे सुंदर सा फ्रेम। आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, बर्थडे पार्टी हो या कोई फंक्शन हो तो फ्रेम के अंदर मतलब फ्रेम बनाया जाता है, उसमें फ़ोटो कराई जाती है। तो क्यों ना ये फ्रेम हम अपने आप से बनाना सीख लें। मैंने तो बेसिकली ये स्कूल के फंक्शन के लिए बनाया था, पर आप चाहें तो अपने घर में कोई भी ओकेज़न हो, कोई भी पार्टी रखने वाले हैं, तो उस तरह का उसके लिए फंक्शन के लिए ये फ्रेम इजीली अपने घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए होगा कार्डबोर्ड। यहाँ से मैं उसको सीधा कट कर रही हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा था, तो कटर की हेल्प से हमें कट करना है। तो ध्यान रखिए, कटर सावधानी से यूज़ करना है ताकि हाथ ना कट जाए। और जितना भी चौड़ाई आपको फ्रेम की रखनी है उतनी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसे छोटा बड़ा अपने कार्डबोर्ड के साइज़ के अकॉर्डिंग आप हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं स्ट्रेट कट कर ले रही हूँ, यहाँ पर कार्डबोर्ड को यहाँ पर इस तरह से हमें स्ट्रेट कट कर लेना है। स्ट्रेट कट करने के बाद में चौड़ाई मैंने आपको बताया कि अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैसे चौड़ाई थी मैंने यहाँ पर ली थी 17.5 इंच, तो इतना सफिशिएंट था मेरे लिए। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा फ्रेम बनाना चाहते हैं तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये साइज़ टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, कि आप बड़ा बनाना चाहते हैं जिसमें दो या तीन बंदे भी खड़े होकर के फ़ोटो खींच करा सके, तो आप चौड़ा भी कर सकते हैं इसको, और लेंथ और ब्रेथ अपनी चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हैं। ये देखिए, कार्डबोर्ड को मैंने यहाँ से कट कर दिया है क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं चाहिए था। एक तरफ से इसकी चौड़ाई 17.5 मैंने ली थी। अब देखिए, यहाँ से हम बराबर से मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर के करीब मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है, तो चारों तरफ से मैं 8 सेंटीमीटर इस तरह से मार्क कर लूँगी, क्योंकि फ्रेम में जो बाहर का बॉर्डर होगा, फ्रेम का बॉर्डर होगा, वो 8 सेंटीमीटर के तकरीबन ये रहेगा। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का लिया है। चारों तरफ से इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया है ताकि चारों तरफ से इवनली साइज आए। अब देखिए, जो मार्किंग किया है उसमें मैं स्ट्रेट लाइन कर लूँगी, इसमें स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी ताकि कटिंग करने में आसानी रहे। तो ये देखिए, इस तरह से मार्किंग करने के बाद में स्ट्रेट लाइन हमने कट कर ले रही है। बड़ा स्केल हो तो ज़्यादा अच्छा है, आराम से हो जाएगा ये काम। छोटा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने स्केल को रखा है और कटर से मैं यहाँ पर इसको कटिंग करूँगी। स्केल रखने से ये कटिंग ईजिली हो जाती है। तो मार्किंग हो चुकी थी कटिंग से मेरी, कटर से मेरी, अब मैं इसको कट कर लूँगी। ध्यान रखिए कि कटर बहुत तेज होता है, बहुत शार्प होता है, तो इसलिए इसको ध्यान से यूज़ करना है। ये देखिए, यहाँ से मैं कट कर लूँगी और इसी तरह से यहाँ पर मैंने स्केल रखा है और यहाँ पर मैं इस तरह से कट लगा दूँगी। तो ये फ्रेम हमारा इस तरह से इसका बन जाएगा, बेस हमारा बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही सस्ते में, बहुत ही आराम से ये फ्रेम आप घर में बना लेंगे। अगर आप बाहर से ख़रीदेंगे किसी भी फंक्शन के लिए तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा और आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं बनेगा। तो अपनी चॉइस के हिसाब से क्यों ना आप खुद बना लीजिए। बर्थडे हो, वेडिंग हो या कोई भी फंक्शन हो, आजकल ये चीज़ बहुत ट्रेंड में है, तो आप इस तरह का फ्रेम अपने घर में बनाइए और अपने फंक्शन को और भी आकर्षक रूप दीजिए। ये देखिए, चारों तरफ से कट करने के बाद में इस तरह से फ्रेम में से पार्ट निकल आएगा। इस पार्ट को भी मैंने 8 सेंटीमीटर यहाँ पर लेकर के लंबी लंबी पट्टियाँ की हैं। क्यों की हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, बीच में से जो कार्डबोर्ड बचा था उसमें से मैंने ये 8 सेंटीमीटर की चौड़ी पट्टियाँ और भी कट कर ली हैं। देखिए, पट्टियाँ कट हो चुकी हैं, जितना भी कार्डबोर्ड बचा था उससे मैंने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं।
देखिए अब ये जो पट्टियाँ हैं हम इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे, तो इससे इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये। तो ये पट्टियाँ इस तरह से रख देनी है, उसको बराबर कट करके हम यहाँ पर इनको पेस्ट कर देंगे। चाहे तो टेप से, मैंने जो पेपर टेप होती है वो ली है यहाँ पर, मास्किंग टेप जैसी होती है वो लेके यहाँ पर चिपका दिया है, चाहे तो आप फेविकोल से भी चिपका सकते हैं। अब चार्ट पेपर लिया है, चार्ट पेपर के ऊपर इस फ्रेम को हमें इस तरह से रखना है और कॉर्नर्स को इस तरह से कट कर लेना है जिस तरह से मैं काट रही हूँ। चारों तरफ से कॉर्नर्स को इस तरह से कट कर लेना है। ये काम आप सीजर से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ से मैंने कट करने के बाद में यहाँ पर इसको ग्लू गन की हेल्प से इसको पेस्ट कर रही हूँ। आपके पास में ग्लू गन नहीं है तो डोंट वरी, आप फेविकॉल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो उससे भी ये आसानी से पेस्ट हो जाएगा। चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही अच्छी है और आई होप आपको तरीका पसंद आएगा और इजी वे में, इजीएस्ट वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। पूरी देखेंगे वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया या क्या आपको इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इस तरह से देखिए मैंने एक्स्ट्रा पेपर कट कर दिया है। अब बारी आती है बीच में कट करने की, तो देखिए साइड से मैं ऐसे किनारे से ऐसे कट कर रही हूँ कॉर्नर से, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से हमने स्ट्रेट, चाहे तो आप स्केल रख के स्ट्रेट कट कर सकते हैं, बता देती हूँ किस तरह। ये देखिए इस तरह से स्केल रख के यहाँ पर ऐसे कट कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा स्केल मैंने रख लिया और सीधा इस तरह से हमें कट कर लेना है। ये देखिए मार्किंग हो चुकी है, जहाँ जहाँ मार्किंग हुई है वहाँ से मैं इसको कट कर रही हूँ। इस तरह से कटिंग करने के बाद में ये पेपर बाहर निकाल लेंगे, हम कट कर लेंगे सीजर से, हमने कर लिया है इसे कट। और देखिए कॉर्नर पर जो मार्किंग की थी वहीं पर हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। अब इसको वापस से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो देखिए मेन बेस जो था हमारा बेस बन के रेडी हो गया है। अब इसको डेकोरेट करने की बारी भी आएगी, पहले मैं इसको चिपका देती हूँ। इस तरह से ये चारों साइड से हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और पेस्ट कर देंगे। वापस से बता देती हूँ कि यहाँ पर आप फेविकोल यूज़ कर सकते हैं, ग्लू गन अगर आपके पास में नहीं है तो। ग्लू गन से थोड़ा जल्दी काम हो जाता है इसलिए मैं ग्लू गन को पसंद करती हूँ। ये देखिए फ्रेम बन के रेडी है, बेस हमारा बन के रेडी है। इसको डेकोरेट करने के लिए देखिए ग्लिटर शीट से मैंने ये फ्लावर बनाया है। कैसे बनाया मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक्स पीसेस मैंने कटोरी के साइज़ से कट कर लिए हैं, कोई भी कटोरी आप ले लीजिए। छोटे फ्लावर बनाना चाहते हो तो छोटी, बड़े फ्लावर बनाना चाहते हो तो बड़ी, या फिर कंपास की हेल्प से भी आप इसी सर्कल्स कट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं ग्लू गन लगा रही हूँ, इस तरह से इनको फोल्ड कर रही हूँ पेटल्स का शेप देने के लिए, और यहाँ पर इसको बराबर बराबर पेस्ट कर दे रही हूँ, जॉइंट कर दे रही हूँ। इस तरह से अपनी सारी पेटल्स बना करके जॉइंट कर लेनी है। देखिए नीचे एक बेस लेना है, उसके ऊपर रखना है इसको। सिक्स पेटल्स हैं हमारी सिल्वर कलर की, नीचे बेस आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो सिल्वर कलर का सेम कलर का ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास सेम कलर की ग्लिटर शीट का बेस नहीं बचा था तो इसलिए मैंने ब्लू कलर का ले लिया है। ये दिखाई नहीं देता है, आप चाहें तो पेपर भी ले सकते हैं अगर आपके पास में नहीं है तो, सिंपल फॉर्म शीट भी ले सकते हैं। इस तरह से देखिए सिक्स लीव्स मैं यहाँ पर लगा दूँगी। तो ये फ्लावर हमारा बन के रेडी है ऑलमोस्ट। इस तरह से अरेंज करना है, इसको सेट करना है कि पेटल्स अच्छे दिखें। और देखिए ये हमारा बनके रेडी है दूसरे कॉर्नर के लिए। यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे ग्लू गन से।
इसके सेंटर में मैंने ब्लू कलर का सर्कल लगा दिया और लीव्स आप कोई भी लीव कट करके यहाँ पर इस तरह से ग्लिटर शीट से लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा फ्रेम बन के रेडी है। डेकोरेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इससे और भी अच्छा कर सकते हैं। ये एक जस्ट आइडिया था आपके साथ में जो मैंने शेयर किया। आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।